सच के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम पिछले अधिसूचना के माध्यम से बीएचयू के पुनः ऑफलाइन खुलने से प्रसन्न हैं, परंतु हमारी कुछ समस्या भी है, जैसे अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच एकाएक ऑफलाइन का नोटिस हम छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, जिसमें हमें वहाँ व्यवस्थित होने में बहुत कठिनाई होगी। छात्रों ने कहा कि अब जब हमारी परीक्षा के मात्र 2 महीने बचे हैं तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल या बाहर पीजी मिलने में कई समस्या है, खासकर लड़कियों को और उनके परिवार के लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं, जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं, और इससे बाहर पीजी वाले रेट भी दुगना या इससे अधिक बता रहे हैं। अब अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस निकाला फरवरी में, मुझे याद नहीं है 5 या 6 तारीख को ही शायद ये निकला था, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने इस नोटिस को निकाला कि आप लोग तत्काल प्रभाव से सारी कक्षाएं खोल दी जाती हैं। लेकिन ऐसे में वो छात्र जो अपने घरों को लौट चुके हैं, कोई बंगाल का था, कोई असम का था, कोई लद्दाख का था, बहुत से छात्र यहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल में भी रहते हैं, इंटरनेशनल है, कोई नेपाल का था, कोई भूटान का था, अब वो 2 महीने के लिए जो बचे हुए हैं उनके सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, तो वो कैसे आएंगे। और हमारी मांग यह है कि इस सेमेस्टर, मतलब जो 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, तमाम जो फैकल्टीज़ के कोर्सेज हैं जिनकी परीक्षाएं अभी तक ऑनलाइन हो रही थी, इस सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन ही हो और अगले सेमेस्टर से इसको फ्रेश रूप में खुला जाए। सच के साथ।